17 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग बुलाए हैं गुलबर्ग में, ये बेंगलुरु में भी कर सकते ना। कितना बार कैबिनेट हो गए, ये कैबिनेट आपने बोलते हैं पैसे नहीं गवर्नमेंट में, फिर खर्चा करके इधर कैबिनेट में क्या बोलने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। 371J बहुत दिन लागू हुए मगर इनकम किसी को नहीं, अच्छा किसी को नहीं। कितना भी जो हायर एजुकेशन पढ़ाई सो है लड़के लोग लड़की लोग, वो यहाँ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इरिगेशन मिनिस्टर को मैं बोलना चाहता हूँ, आप खुद सर्वे करो डैम को, जाओ अमरजा, जाओ गंडोरी, जाओ बेनीतोरा, जाकर देखो। बंद करे तो खुला नहीं होता, खुला करे तो बंद नहीं होता। यही कैबिनेट बहुत बार हो गए। जो 17 तारीख को कैबिनेट जो मीटिंग है गुलबर्ग में, ये मीटिंग कई बार हो चुके हैं, कई बार ये कैबिनेट मीटिंग हो चुका है। कहाँ भी हो गए, बेंगलुरु में हो गए, बेलगाम में हो गए, यहाँ भी हो गए था, वो कुछ भी नहीं हो गया। स्पेशली इन्होंने किया है लेकिन कल्याण कर्नाटक में अच्छा करने के लिए मीटिंग बुलाया। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, एक पहला नंबर डैम कितना है, उदाहरण मैं बोलना तो चाहता हूँ कि चुड़की नाला, बेन्नीतोरा, अमरजा, गंडोरी, ऐसा 7-8 जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में तालाब है, ये डैम है छोटा मोटा। ये डैम किसी लिए बना है, किसानों के लिए पानी छोड़ना, किसानों के लिए भलाई के लिए बना है। सोए ये डैम कितना साल हो गए, उसको हिसाब कितना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको 40-45-50 साल हो गए। ये करोड़ रुपए खर्चा करने के 50 करोड़ तक खर्चा किया, ये होता क्या। ये पानी किसानों का ये गुण भी नहीं आ रहे, उसका बारे में बात करना है ये कैबिनेट में। नंबर 2, कल्याण कर्नाटक 371J बहुत दिन लागू हुए मगर इनकम किसी को नहीं हुआ, अच्छा किसी को नहीं हुआ। कितना भी जो हायर एजुकेशन पढ़ाई सो है लड़के लोग लड़की लोग, वो यहाँ छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वो मुंबई जा रहे हैं, कहीं अमेरिका, जर्मन, जापान जा रहे हैं। क्यों जाता है, वो होशियार नहीं, बोल को नहीं, बहुत होशियार है लेकिन लाभ वहाँ हो रहे अमेरिका, जर्मन, जापान में, वो लाभ लेने के इनू नहीं है, लेकिन इनका वो मकसद नहीं है। ये 17 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग बुलाए हैं गुलबर्ग में, ये बेंगलुरु में भी कर सकते ना। कितना बार कैबिनेट हो गए, ये कैबिनेट आपने बोलते हैं पैसे नहीं गवर्नमेंट में, फिर खर्चा करके इधर कैबिनेट में क्या बोलने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। मेरा कहने की क्या है, भलाई के लिए कैबिनेट होना चाहिए, हमारे किसानों के बारे में, एमएस के बारे में, एमएसपी बारे में, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग था, आयोग के लिए किसान कितना है तड़प रहे, कितना आंदोलन कर रहे हैं। हम दिल्ली में 10-10 लाख लोग जमा करे थे, मगर इन्होंने एक बार किया, मुख्यमंत्री को हम लेटर दिए था, स्वामीनाथन वर्दी केंद्र सरकार में है, रहने दो, परवाह नहीं, हम मानेंगे, लेकिन आपका भी जवाबदारी है। कर्नाटक में किसान नहीं है क्या, तुम कर्नाटक प्रतिनिधि होकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दबाव डालो, स्वामीनाथन वर्दी जल्द से जल्द जारी करो। क्यों नहीं करते, चिट्ठी नहीं भेजते। मैं इरिगेशन मिनिस्टर को मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपके नीचे में जो अधिकारी है उसको, वो लोगों को भेज दो मत, आप खुद सर्वे करो डैम को, जाओ अमरजा, जाओ गंडोरी, जाओ बेन्नीतोरा, जाकर देखो। बंद करे तो खुला नहीं होता, खुला करे तो बंद नहीं होता। पैसे कितना खर्च कर रहे हैं, किसका पैसे खर्च करना है, 1-2 करोड़ रुपये में प्रोजेक्ट होने वाले, 200-300 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ खर्चा हो गए, लेकिन किसानों को थोड़ा पानी तो दे दो, अभी न को अभी बारिश है, लेकिन आप पानी वो धूपकाल टाइम में भी छोड़ दो, किसानों को अच्छा होता है, जानवरों को अच्छा होता है, ये नहीं करते, किस लिए ये कैबिनेट है, झूठा कैबिनेट है। किसानों को अगर आप काळजी रहा, किसानों को बुलाओ, किसान मजबूत के लिए बोलो, किसान जो प्रगति लोग रहते हैं, किसान साइंसिस्ट है, सोशलिज्म लोग है, वो लोगों को बुलाओ, एक दिन मीटिंग बुलाओ कल्याण कर्नाटक में, क्या क्या होना, क्या हो गया अब तक, मुख्यमंत्री पूछना चाहिए कि क्या क्या हुआ, बोलो तुम 2 दिन लगा दे, काम क्या है आपका, तुम बुलाओ किसान का साइंसिस्ट लोग, प्रगति लोग, सभी को बुलाओ, बात करो, ये ऐसा होना क्या क्या होना, बिल्कुल पैसे रहे तो दो, नहीं तो नहीं, इतना तो बोलना फर्ज है ना आपका। यह मैं कहना चाहूँ,
लेकिन यही कैबिनेट बहुत बार हो गए, कुछ भी नहीं होगा। ये आपका ड्रामा के जो ये कैबिनेट होता, बिल्कुल मेरा सोच है। फिर भी आप कैबिनेट बुलाए, अच्छे हो गए, लेकिन सबके लिए मैं तीन मुद्दे आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीट होना चाहिए मेरा ख्याल से। दयानंद पाटिल, नव कर्नाटक राज्य संघ, स्टेट प्रेसिडेंट।